खुदा यूसुफ मसीह के बाबरकत और जिंदा नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। मैं और मेरे साथ हैं जनाब डॉक्टर इमानुल भट्टी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मेडिकल डॉक्टर हैं और फिर मुख्तलिफ चर्चेज में और मुख्तलिफ मुल्कों में भी खिदमत कर चुके हैं। तो हमारे साथ आज एक स्टूडेंट है, नौजवान नस्ल की नुमाइंदा स्टूडेंट इसरा इमानुअल, जिसने बड़ी जुर्रत और दृढ़ का काम किया। ये है कि उसने पढ़ना नहीं छोड़ा या हिम्मत नहीं हारी, बल्कि वो पढ़ती रही है और अपने बारे में खुद ही बताएंगी। मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मुल्क कौम की तरक्की के इनासार तालीम और तरबियत और नौजवान नस्ल की मदद और रहनमाई पर होता है। आप मदद करते हैं, रहनमाई करते हैं नौजवान नस्ल की, और तो फिर कौमें जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाती हैं। तो पाकिस्तान में जो काफी एक अच्छा 40% के लगभग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा, तो ये नौजवान तबका है, ज्यादा ज्यादा नौजवान हमारे पाकिस्तान में है। बाकी मुल्कों में तो बहुत उम्र के लोग रहते हैं, लेकिन इतने ही उनको नजरअंदाज किया जाता है। जितने वो ज्यादा है, अक्सरियत में है, उतना ही उनको ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। हमारे ना तो किसी चर्च के वसीले से उनकी मदद की जाती है और ना ही हुकूमती लेवल से उनकी मदद की जाती है। तो ये इसरा ने एक बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है। तो कलमकार इंटरनेशनल पे जो आप प्रोग्राम देखेंगे आज, ये इसरा के हवाले से होगा। इसरा बच्ची जो है पढ़ना चाहती है, लेकिन वसायल की कमी की वजह से वो उसके लिए मुश्किलात हैं तालीम को जारी रखना, और मेडिकल लाइन में आना चाहती हैं ताकि एक अच्छे शोबे में जाकर ना सिर्फ अपने खानदान के लिए, बल्कि ये तो मददगार साबित होंगी, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेगी। दूसरे लोगों को ये इनकरेज करेंगी कि ये जो गुर्बत है ये कोई बड़ी रुकावट नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम काम करते हैं, अगर हम हिम्मत रखते हैं और अगर हमारा मकसद ठीक है, तो डेफिनेटली वी कैन डू इट। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो नए नस्ल के जो लोग हैं वो मजहबी एतबार से तो काफी आगे चले जाते हैं, लेकिन वो पीछे भी जा जाते हैं बड़ी जल्दी। उनको कोई टेक्निकल या कोई ऐसी तालीम नहीं दिलवाई जाती, ना उनकी सपोर्ट की जाती है, ना तो जैसे मैंने पहले बताया है, तो ये तो हम बात करेंगे। तो इसरा, थैंक यू सो मच, कलमकार इंटरनेशनल पे आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि डेफिनेटली आपके अबू, जो मुझे जितना जहां पता है कि वो एक भट्टे पे काम करते हैं, मजदूरी कर, सैनिटरी वर्कर है, सॉरी सैनिटरी वर्कर है, और बहुत ये वो तबका है जो अंडर प्रिविलेज है, जिनके पास वो वसाइल नहीं होते अपनी बच्चों को तालीम दिलवाने के लिए भी, और खाने पीने के लिए भी वसाइल बहुत कम होते हैं या थोड़े होते हैं, उन्हीं वसाइल के अंदर उन्होंने रहकर जिंदगी बसर करनी होती है। तो इस तरह थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब, आपके बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए कलमकार पर। तो इस तरह पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपका नाम, आपके अबू का नाम, और कितने बहन भाई हैं और क्या करते हैं, सारा इसके बारे में थोड़ा सा आप 2-3 मिनट के लिए अपने बारे में बताइएगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। सबसे पहले तो खुदा का देन आपका कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपको अपना इंटरव्यू दे सकूं और ये अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा नाम इसरा है और मेरे फादर का नेम इमैनुअल है। मेरे फादर एक सेंट्री वर्कर है और हम चार बहनें और एक भाई है। मेरी एक सिस्टर की शादी हुई है, एक सिस्टर मैरिड है, और जो मुझसे छोटी है उसकी भी शादी हुई थी, उसकी डिवोर्स हो गई है। ओह अच्छा, और मेरा एक भाई है और वो रशिया होते हैं, 8 मंथ्स हो गए हैं वो रशिया में है। और मैंने अपनी जो FSC है वो 2021 में कंप्लीट की थी। उसके बाद मैं फ्री रही हूँ। उसके बाद मैंने जस्ट एक डिप्लोमा किया, वो भी फ्री था, इस वजह से कि वसाइल इतने कम थे कि फादर पहले स्टडी हमने इस तरह की कि फादर जो है वो पहले प्राइवेट जॉब, उनकी गवर्नमेंट तो है सेंट्री, लेकिन उससे इतना खर्चा नहीं चलता, लेकिन वो ना प्राइवेट काम भी करते थे साथ साथ ना, जैसे कि किसी स्कूल में या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह में इस तरह काम करके। तो ऐसे हमने स्टडी की, शुक्र है खुदा का कि खुदा की बड़ी ब्लेसिंग रही है कि हमने पढ़ लिया है माँ बाप की मेहनतों से। और 2-3 साल में, 3 साल में फ्री रही, फिर मैंने अब सोचा कि मैंने छोड़ना नहीं है पढ़ाई को। मेरा शुरू से ही ये माइंड था कि मैंने BSN करना है, बट वसाइल जी नहीं थे, सोर्सेज ही नहीं थे कि ना अब है, लेकिन शुक्र है खुदा का मैंने फिर थोड़ा बहुत ट्यूशंस पढ़ाना शुरू की। अभी मैं जो CNA कर रही हूँ तो वो मैं होम ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उससे ही मेरी फी जो है वो निकलती है। सही, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। और
मैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब हम इस बच्ची को अप्रिशिएट करते हैं, दाद देते हैं, और आपकी सारी हौसला अफजाई के लिए भी हम दुआ भी करते हैं, खुदा आपको और ज्यादा हिम्मत दे इसकी, सारे जो जितना आपके अंदर हौसला है, हिम्मत है, ताकत है, कुवत है, ये खुदावन की तरफ से है। हमारा ईमान है कि अगर आप सारे जैसे बच्चियां बच्चे हों तो डेफिनेटली मुल्क और कौम के लिए भी, अपने खानदानों के लिए भी बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होते हैं। डॉक्टर साहब ये बच्ची जो है, जो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब का भी कि आपने मुतारफ करवाया मेरे साथ कलमकार के साथ, ताकि हम ऐसी बच्चियों के साथ उनकी मदद कर सकें, और जितने हमें बाद में देखेंगे हमारे प्रोग्राम को, तो मैं उनसे चाहूंगा कि हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं और हम उनको बता सकते हैं कैसे आपने इस बच्ची की हेल्प करनी है। और डेफिनेटली बहुत से लोग हैं, और ये वाकई जनरली, और ये बिल्कुल हमारा कोई ऐसा कोई है नहीं कि हम चर्च को प्लांट कर रहे हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है, हम सिर्फ इंसानी की बुनियाद पर, इंसानियत की बुनियाद पर, या इंसानों की खिदमत करने के लिए और अपनी कौम के लिए, ताकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए वो किसी ऐसी कोई मजहबी बिल्कुल दहशतगर्दी का शिकार ना हो जाए, या फोर्स कन्वर्शन का शिकार ना हो जाए, या किसी के हत्थे ना चढ़ जाए, बल्कि वो बच्चियां जो हैं वो अपने खानदान के लिए भी, अपनी कौम के लिए यानी मसीही कौम के लिए एक नमूना साबित हो। तो जस्ट जी डॉक्टर साहब, फॉर 1 मिनट। अच्छा तो इस तरह इसके अलावा आप ट्यूशन पढ़ाती हैं बच्चों को, कितने पैसे मिल जाती है ट्यूशन के लिए? ट्यूशन 8,000 8,000 मंथली तो ट्यूशन पढ़ाती। घर पढ़ाती हैं बच्चों को, आपके घर आते हैं? नहीं, मैं खुद जाती हूँ ट्यूशन के लिए ना, उसी से फिर मिलते हैं। अगर घर पे बच्चे हैं तो उससे बहुत कम पे मिलती है, फीस उससे सिर्फ 2,000 तक मिलती है बस। तो इनमें और से उसे कौन से बच्चे, हमारे मसीही बच्चे हैं या गैर मसीही भी हैं? सर, ये मसीही बच्चे हैं, मैं किसी के घर जाती हूँ पढ़ाने। तो हमारे क्रिश्चियन बच्चे हैं जिनको पढ़ाती हैं आप? जी, अच्छा, फैसलाबाद में कहाँ रहती हैं? बारसपुरा फैसलाबाद में, में, मुजफ्फर कॉलोनी में। मुजफ्फर कॉलोनी में, ठीक है जी डॉक्टर साहब। ये अच्छा, ये जो बच्ची है इसरा इमानुअल, ने तो हिम्मत की है, खुद पढ़ा रही है घर जाकर लोगों के, तो ट्यूशन पढ़ाकर, और फिर अपने इनके अबू जो है वो सैनिटरी वर्कर है, तो ये काम करने के बाद, तो डॉक्टर साहब ऐसे बच्चियों के लिए चर्च जो है, यो जो उन इनका जो वहां पे इलाकाई चर्च है, या उस चर्च में जिसमें चर्च में जाते हैं, रोमन कैथोलिक चर्च है या प्रोटेस्टेंट चर्च है, जो जो भी चर्चेस हैं, क्या उनके कोई ऐसी ऐसा कोई नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है उनके अंदर कोई, या उनके हाँ प्रोग्राम के स्केड्यूल के अंदर, चर्च के सारे उस प्रोग्राम के अंदर ऐसा नहीं है? अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कलमकार इंटरनेशनल का, और उसके बाद अपने खुदावन यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कलीसिया के लिए दर्द दिल रखते हैं, इंसानियत के तौर पर भी और कलीसियाई तौर पर भी, और वो किसी न किसी तौर पर कलीसिया को बिल्ड अप करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से एक मैं समझता हूं बहादुर जवान है डॉक्टर बशीर साहब। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें इस बात के लिए मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर बातचीत कर सके। मैं इसरा को इस हवाले से देखा, ये बड़ी एक गुंजान सी आबादी है, और मसीहियों की कोई इतनी अच्छी जगह जो है वो नहीं है। तो जी मैं मैं इनके समझता हूँ। घर गया, उनके घर गया, और आई सॉ अ रियल पॉवर्टी, और पॉवर्टी सिर्फ फिजिकली नहीं, मैंने देखा कि जहनी तौर पर इनके वालिद साहब जो है, मैं शुक्रगुजार हूं कि अब उन्होंने इस बात को समझ लिया है, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, कुड़ियां जवान हो गई ने, इनका विवाह करो, मुकाओ, कोई पढ़ाई छोड़ जी, कोई पढ़ाई ये छोड़े तो और ज्यादा। हाँ जी, की भी उन्होंने मंगनी एक किस्म की कर दी। इसने कहा नहीं मैंने पढ़ना है। तो मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। अनफॉर्चुनेट जो आपने सवाल किया है वो इतना गहरा है कि यहाँ के चर्चेस, पाकिस्तानी चर्चेस, कैथोलिक चर्च हो या दूसरे किसी, ये इनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। सिर्फ एक कोई गल है, इतवार को गिरजा कराओ, जी ते दूसरे दिन खाली,
नथिंग ऐसे ही एल्स, है। नो हेल्थ नो एजुकेशन नथिंग लाइक दैट। तो आप कौन से चर्च में जाती हैं इस तरह? सॉरी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात की है कि चर्च के अंदर, चर्च के स्केड्यूल के अंदर, ये चर्च के वो जितना उनका प्रोग्राम है वो इसमें नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए कुछ भी नहीं है उनके पास। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ी कमी है जो चर्च के अंदर है, बिल्कुल और ये जो है हम इसकी आवाज, हम आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी है। इसी वजह से जो हमारी बच्चियां बच्चे हैं वो गैर मसीहों की तरफ देखते हैं या उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और मैं इसरा को फिर अप्रिशिएट करता हूं कि ये आप जैसे बच्चियों को आगे आना चाहिए, लीडर बनना चाहिए, लीड करना चाहिए, दूसरों को इनकरेज करें कि ये नहीं, आपने ये करना है, ट्यूशन पढ़ाएं, मेहनत करें, अपने आप को संभालें। और ये जो शादियां हैं ये तो हो ही जानी है, वो तो हो जाती हैं, यानी वो तो मसला नहीं है, लेकिन मेन जो मसला है जिंदगी के लिए, जिंदगियां जो आगे आएंगी उसके बाद नई नस्ल आएगी फिर क्या करेंगे, तो इसीलिए इसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम। अच्छा फिर इसके अलावा आपने, मैंने ये भी देखा है कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी और बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं बनी हैं, लेकिन उन्होंने भी, गैर मसीहों ने भी, मुसलमान तंजीमों ने भी नौजवानों को इस्तेमाल किया है, जी मजहबी सर, तखरीब कार बनाया है, दहशतगर्द बनाया है, ना कि उनको उस मुल्को कौम के लिए कोई अच्छे प्रोडक्टिव बनाया है या उनको कोई कंस्ट्रक्टिव तालीम दी है, बल्कि उनको तखरीब कार बना दिया है। और यही वजह है कि हर बंदा जो है वो एक दूसरे पर इल्जाम लगाता है, मजहबी इल्जाम लगाते हैं और वो मार देते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मजहबी जो है वो। जी सॉरी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूं। एक और चीज है, मैं ये समझ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, आई ट्रेवल थ्रू आउट पाकिस्तान, मैं पूरे पाकिस्तान में फिरता हूं, मुख्तलिफ चर्चेज में, छोटे चर्चेज में, बड़े चर्चेज में, छोटी कलीसियाओं में, बड़ी कलीसियाओं में मैं बातचीत करता हूं, मैं मिलता हूं, और मैंने एक ही चीज नोट किया, अगर कुछ करते हैं तो वो सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने खानदान के लिए, कलीसिया के लिए। अनफॉर्चुनेटली दे हैव नो थिंकिंग, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई नहीं सदा। जब उनसे कहना कि यार आप इतना चंदा आता है या जो भी है उसमें से कुछ पस अंदाज करें और आपकी कलीसिया के गरीब बच्चे जो हैं उनको पढ़ाएं, उनको प्रोफेशनल एजुकेशन दें, ज्यादा ज्यादा करेंगे हाई स्कूल खोल लेंगे, प्राइमरी स्कूल खोले, और भाई ये सारे कर सकते हैं, प्रोफेशनल नर्सेस, डॉक्टर्स, ये कौन बनवाएगा? हाँ जी, मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा जो है FSC कर लेता है, उसके बाद वो नर्स करना चाहता है, नर्सिंग ट्रेनिंग करना चाहता है या करना चाहती है, उसके लिए वसायल नहीं होते। अक्सर बच्चे तो FSC तक पहुंचते नहीं है, वो इस काबिल होते हैं कि उनको सपोर्ट किया जाए तो वो आगे जा सकते हैं। अगर एक खानदान के बच्चे को पढ़ाया जाए तो मेरा ख्याल वो पूरे खानदान के लिए वो हेल्पफुल बच्ची होगी या बच्चा होगा। एक और बात भी इस तरह को हम बोलने देते हैं ताकि, अच्छा इस तरह आप क्या चाहती हैं नौजवान नस्ल के लिए कोई पैगाम दें, ताकि जो जितने भी लोग सुनेंगे इस प्रोग्राम को बाद में, तो नौजवान बच्चों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप? तो नौजवानों के लिए ये है कि सबसे पहले तो खुदा के करीब हो, ज्यादा से ज्यादा वेरी दुआ को गुड, अपना रूटीन बनाए, ज्यादा से ज्यादा खुदा को जानने की कोशिश करें, और दुनियावी जिंदगी में ये करें कि अपने आप में मेहनत करें ज्यादा से ज्यादा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल पाएंगे, और मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं है। दुआ के साथ मेहनत करें, और जो कुछ आप पाना चाहते हैं अपने छोटे बहन भाइयों के लिए भी एक अच्छा फ्यूचर प्लान करें, अपने लिए भी और अपनी फैमिली के लिए भी एक अच्छा प्लान सोचें। बहुत अच्छा। अच्छा ये जो बहुत से बच्चे हैं जो आपके इर्दो गिर्दो नवा हैं, जो आपके हल्का अहबाब में हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, लड़कियां हैं, तो आप उनके साथ कोई मिल बैठ के कोई ऐसा प्रोग्राम बनाती हैं, या बैठ के कोई कहते हैं कि जी आप क्या कर रही हैं, या उनको लीड करती है, जैसे आपने इतनी हिम्मत की है, आपने अबू को सपोर्ट की है किस्म की, आपने कि आपने वो ट्यूशन पढ़ाई है, आपने खानदान की सपोर्ट की है कि चले मैं कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो। मैं आपको खुद बताता हूँ कि मैंने जब रोमन कैथोलिक सेमिनरी, फैसलाबाद सेमिनरी से जब मैंने खत्म किया, तो मैंने खुद ट्यूशन लोगों को पढ़ाई, ये नहीं था कि वो मुझे नहीं खर्च दे सकते थे, मेरे चार बड़े भाई काम करते थे, वो मसला नहीं था, लेकिन मैं चाह रहा था खुद मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्यों मैं उनसे पैसे मांगू अपने कपड़ों के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने ट्रैवल के लिए। तो मैं सबसे, अपने खानदान से छोटा बच्चा था जब मैं पहली दफा कराची गया था, तो मैं, अभी तो खैर एक अलग इशू है,
लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे असल में ये एक है जो मेरे साथ, मेरे पास साढ़े प्रति मुसलमान बच्चे थे जब मैंने 13 साल की, फिर उसके बाद मैंने जब 13 साल मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया तो उस वक्त भी हमारे स्कूलों में बच्चे मुसलमान ही हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च में या एंग्लिकन चर्च में हमारे मुसलमान बच्चे ही हैं, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन चर्च ऑफ पाकिस्तान ने कुछ हेल्प किया है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना स्किल्ड वर्कर के लिए, जो स्किल्ड जो टेक्निकल एजुकेशन है उसके लिए उन्होंने हेल्प नहीं की, उन्होंने उनकी सपोर्ट नहीं की बच्चों की, ये बहुत कमी है, ये बहुत जरूरी है। बहुत से बड़े बड़े जो पादरी साहबान हैं जो अपने घर के लिए अपने, तो ये जो बनाते हैं क्या कहते हैं टीवी चैनल बना दिया और ये कर दिया, ये जरूरी तो है, चलो कोई बात नहीं, ये उनका पेशा, उनका अपनी एक हॉबी है। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? लेकिन जो जो प्रैक्टिकल काम है ना, अमली काम जो है वो ये बिल्कुल है कि बच्चों की तरबियत करें, बच्चों को सपोर्ट बिल्कुल। करें, फाइनेंशियल सपोर्ट करें। तो डॉक्टर साहब, मैं क्लब कार इंटरनेशनल की वसादत से ये बयान करना चाहता हूं, मैं अमेरिका में भी मुख्तलिफ पाकिस्तानी चर्चेस में, जो पाकिस्तानी चर्चेस बने हुए हैं छोटे मोटे जो भी हैं, जी तो मैं जी जी उनमें जाता हूं, उनमें भी जब बात करता हूं तो वो भी पीछे गौर नहीं करते। और मैं कई मरतबा उनको ये कहता हूं कि देखें, इसराइल जब वो उसमें गई असीरी में, इसराइल जब असीरी में गई तो वो तबाह बर्बाद एक किस्म की हो गई, शहर जो है यरूशलम तबाह हो गया, और नहमाया जो है वो रोता है और उस शहर के लिए कुछ करना चाहता है अपने उन लोगों के लिए जो कसम कुर्सी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके लिए करना चाहता है। हमारे अजीज, हमारे अपने बहन भाई, हमारे अपने साहिब सरबत लोग मसीही जो अमेरिका में, कनाडा में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर वो सेटल्ड है और ठीक ठाक है। व्हेन आई आस्क देम कि प्लीज हेल्प दीज पीपल, नहीं साढ़े को तो है ही, साढ़ा तो आप यार $50 का बर्गर आप अपने बच्चों को हर हफ्ते खिला देते हैं, महीने में अगर एक $50 आप दें तो यहां पर एक बच्ची की, एक महीने की कम से कम ये आधी फीस हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा इसमें ये डॉक्टर साहब, ये वाकई बात आपकी दुरुस्त है कि हमारे अंदर जो है ना वो दर्द नहीं है, वो जो कौम का दर्द है, ये चले लोगों को दर्द को छोड़ें, चलो कम से कम आप माशी तौर पर ठीक है, तो हाँ 50 और 10 10 पाउंड जो हमारे हैं वो पाकिस्तानी तकरीबन को 3,500 बनते हैं, तो ये है कि कम से कम चलो लोग जो है वो 10 10 पाउंड दे दें, कोई 10 20 फैमिलीज, तो ये हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, अपने दोस्तों से बात करूंगा, तो ऐसे हम करेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है कि हम उसके लिए करें, क्योंकि मैं ये इस तरह के साथ प्रॉमिस इसलिए नहीं कर रहा कि मेरा जो हमारा मकसद है सिर्फ कि ये बात जो है वो उन लोगों तक पहुंचानी जो ये कर सकते हैं, लेकिन हम भी इसके इनिशिएटिव लेंगे, ये नहीं ऐसी कोई बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे, जैसे मेरे दोस्त हैं कुछ तो हम उनसे बात करेंगे ताकि आप, क्योंकि हमें चाहते हैं, आप चाहते हैं जेनुअन लोग हों, जैसे आप हैं एक जेनुअन, आप पढ़ती हैं पढ़ रही हैं, तो फिर जो है वो किसी के लोग और किसी पाकिस्तान में किसी पादरी को दे दें कि नहीं आगे कर दें, तो ऐसे नहीं हम करेंगे, जो भी करेंगे तो उसको थ्रू प्रॉपर चैनल हम जो है ना वो प्रॉपर उनकी हेल्प होगी डायरेक्टली। सर एक और बात जो बड़ी अहम है, मैं समझता हूं इसरा इज वन एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल, इन हालात में भी शी इज सो करेजियस कि उसने कहा कि नहीं, मैं पहले अपनी मदद आपके तहत जो कुछ मैं कर सकती हूं वो करूं, लेकिन अगर हम जरा सा उस बच्ची को हाथ पकड़ाएं तो मेरा ख्याल है कि शी कैन डू मच मच बेटर बैठ। और ये अकेली नहीं है, देर आर सो मैनी, आई नो सो मैनी गर्ल्स, खुदावंद का शुक्र अच्छा है। जी जी डॉक्टर साहब, इस तरह को एक और मैं सवाल है इस तरह के लिए, फिर आपसे पूछेंगे, हमारे पास थोड़ा सा और टाइम रह गया है। इसरा यानी आपकी जो अभी अभी यह दाखिला आपने ले लिया, वो क्या कहते हैं उसको, BSN CNA, सी एन ए CNA, क्या कहते हैं उसको, CNA सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। ओके CNA सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट। अच्छा ये जो CNA के लिए है, अभी आपने दाखिला नहीं लिया वहां पे? सर मैं दाखिला लिया है, मैं कर रही हूँ CNA। अच्छा अभी आप कर रही हैं, तो कितनी आपकी फीस है एक सेमेस्टर के लिए? सर इसकी मंथली जो फीस है वो 8,000 है, और अच्छा मेरी जी 8,000 ही ट्यूशन फी है।
मैं वही फीस जो है वो अपनी दे देती हूँ घर आठ वालों हजार से ये मिल। कहाँ से कर रही हैं आप? कौन से? सर मैं होम ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, होम ट्यूशन नहीं नहीं से, नहीं 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 किस कॉलेज, किस मेडिकल कॉलेज से कर रही क्योंकि एम्स नर्सिंग कॉलेज है। हैं? अच्छा, यहाँ पे फैसलाबाद में एम्स नर्सिंग कॉलेज। जी अच्छा, ये सर्टिफाइड है, ये रजिस्टर्ड है? जी सर, अच्छा, वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वहां पे पढ़ने, जो हाँ पढ़ रहे हैं, जी सीएनए कर रहे हैं? जी पर अच्छा अच्छा मैं ठीक तो है। बीएसएन करना चाहती हूँ ना, पर मैंने कहा कि मैं फ्री क्यों रहूं, मैंने अपना पहले ही 2-3 साल वेस्ट कर लिए थे, और वैसे भी घर वालों ने रिश्ता कर दिया, मंगनी कर दी थी मेरी, और मेरा तो माइंड था नहीं कि मैं शादी की तरफ आऊं, अभी अपने आप को थोड़ा स्टेबल करूं, कुछ तो बन अब ये जाऊं, मंगनी हो अब गई है, मंगनी हो चुकी है? तोड़ दी है। अच्छा चलो, ये मैं अच्छा किया, ये आपने अच्छा किया है, ये मैं स्टडी कहने लगा था। करना चाहती थी ना नेक्स्ट। हाँ, ये मैं कह रहा था कि अभी आप छोटी हैं, 22 साल की उम्र है, जी तो आप ये बीएसएन बीसीएनए करने के बाद बीएसएन, अगर आप बीएसएनए में दाखिला लेती है तो कितने पैसे लगते हैं आपके? सर, इसमें तो जो एडमिशन फीस है वो तकरीबन 60,000 है, और जो पर सेमेस्टर है वो 2 लाख, पर सेमेस्टर कितना होता है, 1 साल? 6 मंथ्स का होता है सेमेस्टर। अच्छा, हाँ, तो ये जी सीएनए करने के बाद फिर आपको जॉब मिल सकती है? इजीली तो नहीं मिल सकती, पाकिस्तान में तो हालात वैसे पहले खराब है, या तो बीएसएन वाले बड़े मुश्किलों से उनको जॉब मिलती है, मिलेगी तो प्राइवेट मिलेगी। अच्छा, ये जो सीएनए कर लेते हैं उसके बाद उनको फिर वो बीएसएन कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, वो तो तो साथ ही। एफएससी बेस पे है ना, एफएससी जिसने की है वो बीएसएन कर सकता है, जो सीएनए ये मैट्रिक बेस चले, पे हम है। आपकी आवाज जो है ना, और आप इसको भेजेंगे आपका वो, मैंने आपकी तस्वीर, जैसे हमने वो पोस्टर बनाया हुआ देखा आपने, तो उसको आप भी शेयर कीजिएगा, और जी फिर दोस्तों, क्योंकि ऐसे होता है कि जब हम जेन्युइन बात लेते हैं, समझते हैं, तो ये जेन्युइन बात है, ये जेन्युइन बच्ची पढ़ना चाहती है, उसका फ्यूचर इसमें है, तो वो लोग फिर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो आप ये सीएनए करती जाए, इसके लिए जी ये भी है कि चलो कम अज कम आपके पास एक तो सर्टिफिकेट होगा ना पहले, तो ये, सर, और इस बेस पे आप आगे फिर वो आपको दाखिला भी इजी मिल जाएगा उसमें, बेसिक वो क्या कहते हैं, बीएसएन। जी भी है सर, हाँ, तो फिर वो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल, थैंक यू सो मच इसरा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और कुछ आप कुछ कहना चाहते हैं, जरूर हम जो है वो बातचीत करते रहेंगे दोस्तों के साथ, और अगर हमारा ये कुछ भी हुआ तो फिर मैं आपको जरूर, आप, मेरा नंबर आपके पास है डॉक्टर साहब का, ये मैं जी नंबर है, तो फिर आप रब्ता, मैं आपसे रब्ता खुद कर लूंगा, ठीक है? तो जी अच्छा है, यही मैं आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, और हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अगर कोई जेन्युइन बच्चा है, पढ़ना चाहता है, या जेन्युइन केस है, तो हम उनकी जरूर हेल्प करते हैं। और अभी हमने एक बंदे की बुक थी, 40,000 हमने उसको भेजे, मैंने पर्सनल उसको दिए थे, ताकि चलो कम से कम उसकी एक हेल्प हो जाए। तो ये होता है कि चलो, हाँ जी, तो हमारे पास अभी 5-10 मिनट और है, तो मैं ये सिर्फ यही अपने इस प्रोग्राम के वसीला से बताना चाहता हूँ कि जो यूथ है, ये हमारा बहुत कीमती असासा है, इन बच्चियों को, बच्चों को, बच्चियों को जरूर इनके बारे में सोचिए, देखिए, उनकी हेल्प कीजिए, रहनुमाई कीजिए, ताकि वो अपने खानदान के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और अपनी मसीही कौम के लिए बहुत ही ज्यादा कारामद साबित हो सकते हैं, एंड दे कैन डू अ लॉट फॉर देयर फैमिली एज वेल। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आप सबका, और वंस अगेन, ये प्रोग्राम आप कलमकार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देख रहे थे, और कलमकार इंटरनेशनल का जो प्लेटफॉर्म है वो बेसिकली, इसमें बहुत से ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, और पादरी साहबान भी हैं, और मसीही भी हैं, गैर मसीही भी हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे अक्सर प्रोग्राम पे आते रहते हैं। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि चलें, कम अज कम जो पिसा हुआ तबका है, हम उनकी जरूर हेल्प करें, और पाकिस्तान में खासतौर पर जो मसीही लोग हैं, और हम ये जो लोकल चर्च है, अपने इस प्रोग्राम के वसीला से हम बताना ये चाहते हैं कि जो लोकल चर्च है, उसमें रोमन कैथोलिक है, एंग्लिकन चर्च है, जितने भी लोग बड़े बड़े चर्चेज हैं, जी अपने प्रोग्राम के अंदर एक हिस्सा इन बच्चों का जरूर रखें, 10% उनको दें, और उनकी सपोर्ट के लिए बाकायदा आप अमली तौर पर काम करेंगे, तो जैसे ये बच्ची 8,000 कमा रही है, अगर आप इसको कुछ ना कुछ एक महीने में इसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करें, ताकि इसकी फैमिली, या जो इसकी तालीम, खासतौर पर इसकी जो बुक्स हैं, या वो इसकी फीस जो है वो, इसको वो पूरी हो जाए, तो मेरा ख्याल ये बच्ची बहुत ज्यादा काम कर सकती है। ये जी आखिर में, जी मैं जी एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जी शी इज केपेबल टू डू बी एस एन।
जी बीएसएड का चूंकि अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए उसने एट अ लोअर लेवल जो है ये कोर्स लिया है। अगर हम इनकी सपोर्ट कर सके तो शी कैन गो फॉर बीएसएड, और इन द लॉन्ग रन उसके बाद शी कुड बी द सपोर्टर टू द अदर चिल्ड्रन जस्ट यस लाइक माई चिल्ड्रन। मेरे बच्चे जी जो हैं दोनों डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर हैं, मेरे मेरा बेटा और मेरी, और वो फिर अब दूसरे जो मसीही बच्चे हैं उनकी मदद करते हैं हाँ जो जी नीडिंग और डिजर्विंग और कैपेबल है, वो हाँ, बी ये एस बहुत एड जरूरी है, डॉक्टर। डिजर्विंग और केवल होना बहुत जरूरी है। चलें ठीक है जी, जी, हाँ जी, तो थैंक इस यू सो तरीके मच से इसरा, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया, और हम फिर एक दफा, मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम आप प्लेटफॉर्म कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, और हमारे हमें दुआ में याद रखिएगा, और हमेशा जरूर हम चाहते हैं कि बड़े ही ईमानदारी के साथ, दयानदारी के साथ, और पूरे उस एंथुजियाज्म के साथ काम करें जो वाकई जिसमें नेशनल स्पिरिट है, कौमी जज्बा है, मसीही जज्बा है। हम अपने मसीही बच्चियों के लिए काम जरूर करें, बच्चियों के लिए खास तौर पर, ताकि बच्चियां जो है बिल्कुल वो ज्यादा ज्यादा कारामंद साबित होती है अब दूसरे बच्चियों के लिए, डेफिनेटली बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी सो मच। मच।